अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम हम सब में। मैं हूँ महरुख फहद कुरैशी। नाज़रीन, आए रोज़ दुनिया भर के अखबारात में हम पढ़ते हैं कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता की तरफ जो है वो गामजन है, कशकोल टूट गया है, अब हमें IMF की ज़रूरत नहीं है, हमारी गर्दन IMF के शिकंजे से आज़ाद हो चुकी है, हुकूमत वज़रा हमें एशियन टाइगर बनने की नवीद सुना रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार बिला नागा न्यूज़ चैनल्स पर आते हैं और फरमाते हैं कि हमने वो कर दिया जिसका तसव्वुर भी मुमकिन न था, खजाना भर चुका, इससे कबल पाकिस्तानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तारीख में इतने बुलंद नहीं हुए थे जितने इस दौरे हुकूमत में हैं। मगर नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि अल्फाज के इस घोरक धंधे की असल हकीकत क्या है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मंदी का शिकार हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट का जो गैप है वो बढ़ते बढ़ते 90% तक जा पहुंचा है और इस वक्त हमारा बैलेंस 4.2 बिलियन डॉलर पर मोहित है, जिसका नतीजा सबूत ये है कि रवां माली साल के पहले 7 ही महीनों में हुकूमत ने बजट फाइनेंसिंग के लिए 4 अरब 60 करोड़ डॉलर के नए गैर मुल्की कर्जे हासिल कर लिए हैं। पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी रुपए में भी बता देती हूं कि ये कितनी रकम बनती है, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ये नए कर्जे जो हमने हासिल किए हैं पाकिस्तानी रुपए में नाजरीन ये बनते हैं 4 खरब 82 अरब 60 करोड़ 12 लाख रुपए की। यह खतीर रकम बनती है जो बतौर कर्ज इस हुकूमत ने अभी इस माली साल के पहले 7 महीनों में ही हासिल कर लिया है। सिर्फ दोस्त मुल्क चाइना की आपको मिसाल देती हूँ, लॉन्ग लिस्ट के किन से ये जो लोन्स हासिल किए गए, लेकिन मैं सिर्फ चाइना का आपको बताती हूँ, सिर्फ चाइना से 1 खरब 99 अरब 13 करोड़ 90 लाख रुपए के कर्जे हासिल किए गए हैं और मौजूदा हुकूमत ने माली साल 2016-17 के लिए जो प्रोजेक्ट किया था कि जी हमारी सालाना जो इक्तसादी इमदाद हम हासिल करते हैं, इकोनॉमिक असिस्टेंस जो हम लेंगे, वो 8 अरब डॉलर से तजावुज नहीं करेगी। और हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी इन द फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ द करंट फिस्कल ईयर इस गवर्नमेंट ने जो है 2015-16 के से पहले 7 माह में ही इस रकम का 57% ऑलरेडी हासिल कर लिया है। और जिस मार्के का सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है वो है फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। तो नाज़रीन, स्टेट बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक अब ये रिजर्व्स 24 बिलियन डॉलर से कम होकर सिर्फ 17 बिलियन डॉलर की हद को पहुंच चुके हैं। तश्वीशनाक बात यह है कि 6.5 बिलियन के वो कर्जे जो अगले 15 माह में बैरूनी कर्जे जो जिनकी किस्त हमने अगले 15 माह में जिनको हमने अदा करना है, जब इन कर्जों की वापसी का वक्त आएगा तो ज़र मुबादला के जो जखायर हैं इसमें मजीद कमी होगी और फिर होगा ये कि पहले से हासिल कर्जों को अदा करने के लिए नए कर्जे लिए जाएंगे जो ऑलरेडी हमने लेना शुरू कर दिए हैं। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पाकिस्तान की सालमियत के लिए अब उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा ये बैरूनी कर्जे हैं। हमारी मईशत कर्जों में जकड़ी हुई है और अगले साल फिर से हुकूमत को IMF बेल आउट पैकेज की जरूरत पड़ेगी और उनकी मिन्नतें हमें करनी पड़ेंगी कि आइए और हमें बचाइए। इस वक्त नाज़रीन, हर पाकिस्तानी यानी आप लोग जो मेरा टेलीविजन शो इस वक्त देख रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारी आबादी, अब मैं आदादोशुमार भी नहीं बता सकती क्योंकि सेंसस होगा तो पता चलेगा, लेकिन लेट मी टेल यू दैट कि ईच वन ऑफ यू, हर पाकिस्तानी इस वक्त एज आई स्पीक 1,15,000 रुपए का मकरूज है। 1,15,000 रुपए, इसके दूसरे मानों में आप ये भी कह सकते हैं कि जितना भी आप कमाते हैं उसका 91% आपको कर्ज की सूरत में देना है। तो फिर नाज़रीन, आप फैसला करें कि पाकिस्तान की सालमियत को ज्यादा खतरा दहशतगर्दी से है या बैरूनी कर्जों से है, और हुकूमत जानते बूझते हुए भी बैरूनी कर्जे क्यों ले रही है, ये नए कर्जे क्यों लिए गए हैं। शायद हमारी नाकस समझ में कुछ समझ आ जाए अगर हम हमारे एक्सपर्ट पैनल से पूछें, क्योंकि हुकूमत की भी 100 मजबूरियां होती हैं। अपने पैनल से आपका तारुफ हूँ, जबरदस्त मेरे पास पैनल मौजूद है, तमाम तर माहिर मौशियात और बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं। मिस इस्लामाबाद स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी मिर्जा इख्तियार बेग साहब, मायनाज बिजनेसमैन, माहिर मौशियात। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। इसके साथ साथ नाज़रीन, कुछ ही देर में आबिद सुलेरी साहब भी मुझे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से ही। टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन करेंगे जी शब्बर जैदी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम आपको, और इसके साथ साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मायनाज माहिर मौशियात हैं, वो भी मुझे कुछ ही देर में कराची से ज्वाइन करेंगे। सो आई हैव अ पैनल ऑफ 4 जो हमें ये बताने की कोशिश करेगा कि जी ये जो नए कर्जे लिए जा रहे हैं जबकि पुरानों से भी बड़ी मुश्किल से हमने जान छुड़वाई है, क्यों लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मिर्जा इख्तियार बेग साहब, सर आपकी जानिब आ जाते हैं। पहले तो सर आसान लफ्जों में ये बता दें, हम नए कर्जे क्यों ले रहे हैं, मतलब एवरी डे आपको पता है इवन इसहाक डार साहब आर्टिकल्स और कॉलम्स भी लिख रहे हैं, TV शोज पर आते हैं, वो बताते हैं कि बस ऑल इज वेल, लेकिन सर एवरीथिंग डजंट सीम सो वेल, क्यों ले रहे हैं हम ये नए कर्जे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि
फॉरेन रिजर्व्स बिल्डअप करने के तीन चार जराए होते हैं। पहला फॉरेन रिजर्व्स आता है एक्सपोर्ट से, जो नेचुरल तरीका है और रिलायबल तरीका है। ठीक है। मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाओ, फॉरेन रिजर्व्स आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। दूसरा होता है रिमिटेंसेस, हमारे गैर मुल्की ये ममालिक से जो हमारे एक्सपेक्ट पाकिस्तानीज हैं वो अपनी कमाई के पैसे जब मुल्क में भेजते हैं, जिसको आप तरसे लाते जर कहते हैं, वो रेमिटेंसेज हैं। वो माशाल्लाह बढ़ बढ़ के 6-8 बिलियन होता था, 20 बिलियन तक पहुंच गया, अब थोड़ा सा कम हुआ, 19 बिलियन तक हो गया। ठीक है। तीसरी चीज ये होती थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, कि भाई मुल्क में सरमायाकारी हो रही है, बाहर के लोग डॉलर ला रहे हैं, लगा रहे हैं और वो आपके रिजर्व बढ़ रहे हैं। ठीक है। चौथी चीज, अगर इन तीनों चीजों से आपकी पूरा नहीं होता, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, कर्जों की अदायगी है, तो फिर इन तीनों जराओं से अगर वो पूरा नहीं हो रहा है, तो चौथी चीज जो है जो खतरनाक है वो होते हैं डोनर्स एजेंसी से कर्जे लेना। उससे भी फॉरेन रिजर्व्स आ जाते हैं और आप अपने कर्जों की अदायगी कर देते हैं। ठीक है। लेकिन वो डेट होता है, एक लायबिलिटी है जो आपके ऊपर होती है। जैसे आपने बतलाया कि हम सब पे, हम 70,000 रुपए से सुन रहा था मैं, फिर 80,000 हुए, लाख रुपए पे सुबह सो के उठे तो 1,15,000 हो गए। अब सवाल यह है कि ये क्यों हो रहा है, ये चार जराए में हमें चौथी चीज की क्यों जरूरत पड़ रही है? Exactly. जो आपका सवाल है, बिल्कुल। उसका जवाब यह है कि एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय गिर रही है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट $25 बिलियन की होती थी, अब $20 बिलियन रह गई। ठीक है। तो एक्सपोर्ट में कमी हो रही है, 5 बिलियन की तो वहां पे आपको हिट पड़ी सीधी। रेमिटेंसेस हमारे, हम सोच रहे थे 22-23 हो जाएंगे, अब जब ये ऑयल के क्राइसिस आए मिडल ईस्ट में, लोगों को बेचारों को निकाला गया, तो रेमिटेंसेस भी अब 18 बिलियन पे आ गए, 20 से कम हो गया। और ये वो इशू है जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा सर, क्योंकि बड़ा टेक्निकल चीज, 50,000 पाकिस्तानियों को भेजा गया है, 3.5 से 4 लाख बनती है ये तादाद। हाँ, अगर गुज़िश्ता 5 साल में देखें, इससे भी बाकी यूएई से भी यही होगा। अब FDI का ये है कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, सिर्फ एक मुल्क जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो चाइना है CPEC के मंसूबे में, और वो मुख्तलिफ नौयत की वो प्लांट मशीनरी से बाहर के बाहर पेमेंट हो रही है, तो डॉलर यहाँ नहीं आ रहे, फॉरेन करेंसी लोन कहलाता है। तो ये एक आप इस घनचक्कर में ये है कि कर्जे उतारने के लिए कर्जे लिए जा रहे हैं और कर्जा आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे जरूरी पंच लाइन, तो आपने वजह अभी बता दी कि कर्जे उतारने के लिए कर्जे लिए जा रहे हैं, आपका सवाल का जवाब। अब इसमें जो चीज बड़ी एक लीगल है जिसपे आपको और हमको सबको जोर देना है, इन्हीं चीजों को देखते हुए पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था जिसका नाम था डेट लिमिटेशन एक्ट। ओके। यानी कर्जों की हद, ज्यादा से ज्यादा लेने की हद का कानून, कि आपका मुल्क, आपके वजीर खजाना इतने से ज्यादा कर्जे नहीं ले सकते। ठीक है। डेट लिमिटेशन एक्ट 50% आप GDP से ज्यादा इजाजत नहीं देते। आपका भी वो 60 के करीब पहुंच गया है, यानी आपने डेट लिमिटेशन एक्ट को क्रॉस कर लिया। तो ये तो ब्रीच हो गई ना सर, ये ब्रीच हो गई है। हाँ। लेकिन इस पर किसी ने नहीं बात की अभी तक कि भाई ये तो डेट लिमिट पार्लियामेंट का एक कानून की ब्रीच हुई है, और आप फिर भी कर्जे लेने जा रहे हैं क्योंकि आपको अदायगी करनी है, तो समझ आती है कि वो नहीं बोलेंगे, ऑपोजिशन से भी कोई नहीं बोला। देखिए ये टेक्निकल चीज होते हैं, डेट लिमिटेशन जो होते हैं इतना ज्यादा नहीं पता। अब इसमें जो चीज है वो ये है कि साथ साथ हमारी हुकूमत एक और काम कर रही है जो न मारूफ को पता है, न डॉक्टर बेग को पता है, न शब्बर भाई को इतना ज्यादा पता है। वो ये है कि ये बॉन्ड्स जो लॉन्च कर रहे हैं, बर्सुसुक बॉन्ड हैं, डॉलर बॉन्ड हैं, और वो भी एक लायबिलिटी है। वो आप बॉन्ड है कोई 5 साल के लिए, इन 5 साल की मुद्दत के बाद वापस करना है एक सूद के साथ, कर्जाई, हाँ, कुछ इंटरेस्ट के साथ, 7 साल के लिए, कुछ 8 साल। इंटरेस्ट रेट जो हाईएस्ट हमारे हैं वो 2036 तक के हमने बॉन्ड इशू कर दी है। ये आज मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, 2036 तक। और किस इंटरेस्ट, और 2036 वाले का जो मार्कअप है वो 8% है, हाईएस्ट। और जिसकी वजह से आज वो मार्केट में नहीं मिल रहा है, $100 वाला बॉन्ड 103 में लोग ले रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है क्योंकि 8% रिटर्न मारो बहुत
लिक्विडिटी वेरी अट्रैक्टिव होता है. बाहर तो 2% 3% पे काम चल रहा है, आपने लास्ट बॉन्ड जो निकाले थे 5 साल वाले सुसु, वो 5% पे थे. सो बाहर 2 से 3% हो रहा है, आपने ऑलरेडी 5% निकाले, अब आपने 8%. उसकी वजह भी है, मैं यहाँ पे सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं करूंगा. आपके मुल्क की क्रेडिट रेटिंग होती है, आपके रिजर्व की पोजिशन होती है, आपकी डेट सस्टेनेबिलिटी होती है, आपके स्टैंडर्ड पुअर और मूडीज की रेटिंग होती है. ये एक बड़ा टेक्निकल है जिसके बेसिस पे आप ये कैलकुलेट करते हैं कि हम कितना रिटर्न दें तो लोग आएंगे. और ये फंड मैनेजर बाहर जो होते हैं वो बैठ के रोड शोज में आपको इंडिकेशन देते हैं. बहरहाल, कहने का मेरा मकसद ये है कि अभी IMF की MD आई थी क्रिस्टिन ग्राफ्ट, और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोगों को बुलाया था, उनके साथ पाकिस्तान के कॉनी भी उन्होंने बात की थी खुल के, मुझे भी बुलाया था, मैं इस्लामाबाद आया. ठीक है, उन्होंने हमारी माशी कारकर्दगी की तारीफ जरूर करी है कि भाई आपका जो है बजट डेफिसिट 8% से आपने कम करके 4.3% पे ले आए, सही है ना, इन्फ्लेशन 4% पे आपने रखा हुआ है, और आपकी दूसरी इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो कदर बेहतर हैं. लेकिन दो चीजें उन्होंने बिल्कुल ब्लंट कही थी. एक चीज उन्होंने कहा था कि जी 17-18 में आपका आउटफ्लो ज्यादा होगा इनफ्लो के मुकाबले में, वो बड़ी प्यारी तरह से वो बात कह गई, यानी आपको अदायगियां ज्यादा करनी होगी, चाहे वो मशीनों की हो, सी पैक की या कर्जों की हो, ये जिन इदारों से लिए गए उनकी ड्यू हो गई, मैच्योर्ड हो गई, तो आउटफ्लो ज्यादा होगा इनफ्लो के मुकाबले में, और आपका डेट बर्डन जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोकल भी और बाहर का भी, दैट नीड टू बी रैशनलाइज, नीड टू बी कंट्रोल, नीड टू बी कंटेन. लेकिन सर यहाँ पर बात ये आ जाती है, शबर जैदी साहब सुन सकते हैं सर मुझे? जी शबर जैदी साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब भी किसी तकरीब में जाते हैं फीता काटते हैं, उस और किसी को शाबाश दे ना दे, वो तो इसहाक डार साहब को बहुत ज्यादा उनको थपकी देते हैं, उन्हें कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो मईशत को देखिए, चार चांद लगा दिए, जिस राह पे गामजन कर दिया वो इसहाक डार साहब ही हैं. अब ये जो चीजें मेरे सामने मिर्जा इख्तियार बेग साहब रख रहे हैं, इसको देख के तो वो शाबाशी बनती नहीं है सर, तो फिर ये क्या हुकूमत ख्वाबे गफलत में? देखिए जो बात बेग साहब कर रहे हैं, मैं तकरीबन उनकी बातों से तकरीबन 100% मुत्तफिक हूँ, मगर मैं किसी पर्सनैलिटी के बारे में बात नहीं करना चाहता. नहीं, पर्सनैलिटी नहीं सर, हमारे वफाकी वजीर खजाना है आपके और मेरे. मैं उसी पे आ रहा था. ये जो फैक्टर्स, कुछ सेक्टर हैं जहाँ पे कामयाबी है और कुछ सेक्टर है जहाँ पे नाकामी है. जिन चीजों की निशानदेही बेग साहब ने की है वो बिल्कुल दुरुस्त है. हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके, हम बोरोइंग बहुत हैवी रेट पे कर रहे हैं, हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पा रहे, हम अपनी जो जो हमारी जो आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इनफ्लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कम है. तो अगर हम ये कहें कि हमने मुल्क में मायशी तौर पर चार चांद लगा दिए तो शायद वो एक सही स्टेटमेंट नहीं हो. मगर मैं आपकी एक बात, आपने दरमियान में अख्तियार बेग साहब ने एक बात कही थी जिससे मैं, आपने भी कहा, मैं उसको मैं बताता हूँ. आपने ये कहा कि सारी बातें मैं कर रहा हूँ और अख्तियार बेग साहब कर रहे हैं और आप कर रही हैं, मगर आपने कहा कि ये बातें असेंबली में नहीं हो रही. तो ये बातें, मेरा सवाल है कि अगर इस मुल्क की असेंबली में ये बातें नहीं हो रही तो फिर असेंबली में क्या हो रहा है? अगर असेंबली ये बातें करने पर, समझने में तैयार नहीं है, समझाने में तैयार नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे जो असेंबली है वो पाकिस्तान की शहरक से दूर हो गई है. और मैं आपको यहाँ एक और बात करना चाहता हूँ कि अगर ये बातें असेंबली में होंगी तो जो आज जो जो साहब भी हैं, जो कुछ भी शख्सियत है, अगर वो कोई गलत स्टेटमेंट कर रहा है या अपने आप को बूस्ट कर रहा है तो वो उसको करेक्ट करने का फोरम असेंबली है. और उसको ये बातें कोई रॉकेट साइंस नहीं की बात नहीं हो रही है, ये एक रियलिटी ऑफ दी लाइफ की बात हो रही है कि एक्सपोर्ट 25 से 20 क्यों हो गई. मगर अगर हमने एक वतीरा अपना दिया है कि हम मईशत को असेंबली में डिस्कस करना नहीं चाहते और हमारी कौम का सब्जेक्ट नहीं है, और मैं बार बार आपको ये बात कह जाता हूँ, हमेशा हर जगह पे कहता हूँ कि जब तक मईशत असेंबली का वतीरा नहीं बनेगी इस मुल्क की किस्मत तब्दील नहीं होगी. अब आपकी आखिरी बात पे मैं आता हूँ कि जो चीजें बेहतरी, जहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है, अख्तियार बेग साहब भी उससे एग्री करेंगे, वो है हमारी टैक्सेशन रिफॉर्म का रिजल्ट. ओके, अगर आप टैक्सेशन रिफॉर्म को एनालाइज करें तो आपकी रिटर्न्स फाइल जो हुई है अभी तक वो कम हुई है लास्ट ईयर. ठीक है, और आपकी क्वांटम में अगर अमाउंट बढ़ी है, दैट डज नॉट मीन कि आपने टैक्स की बेस बढ़ा ली है, इसका मतलब है टैक्स की बेस कम हुई है. तो अब हमें ये फैसला करना पड़ेगा एज ए कौम
कि हम माशी तरक्की की इंडिकेटर्स को हम कहते हैं कि माशी तरक्की हो रही है उसके इंडिकेटर को हमें रीडिजाइन करना है और रीडिजाइन के लिए फैसला करना है कि क्या चीज अच्छाई है और क्या चीज बुराई है और किस बेसिस के ऊपर हम फैसला करते हैं कि पाकिस्तान की भविष्य अच्छी तरफ जा रही है या बुरी तरफ जा रही है। शबाज़ भाई साहब, एक फैसला तो हम करते हैं ना इन इंडिकेटर्स की बुनियाद के ऊपर, लेकिन एक फैसला जो है ये बैन अल-अक़वामी इंडिकेटर्स भी कुछ हमारे सामने आते हैं। मुझे ज्वाइन किया है। नहीं, आप बैन अल-अक़वामी की बात कर रही हैं और बहुत लोग करते हैं, मेरी फर्म ने भी एक रिपोर्ट इशू की है। देखिए, होता ये है कि हम चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं। सर, पढ़ाया जाता है, हम पढ़ नहीं रहे होते, हम सही पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जी। मेरी फर्म है इंटरनेशनल फर्म है पाकिस्तान नोट ऑफ कूपर, जिसने ये इंडिकेट किया, मैंने वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को भिजवाई है कि पाकिस्तान विल बी द 19th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2050, विच इज अ वेरी राइट थिंग, बट क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी, उसी रिपोर्ट में हमने लिखा है कि जो डिस्पेरिटी बिटवीन पुअर एंड रिच बढ़ जाएगी, और अगर आपने ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट नहीं किया तो ये जो यूथ का बल्ज है ये टेररिज्म में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी इकोनॉमी 19वीं इकोनॉमी हो जाएगी साइज में, तो ये अच्छी चीज है, बट उसके अंदर जो अंडरलाइन फैक्टर है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मैं जरा आबिद सुलेरी साहब का भी सर इसी बात पर कमेंट ले लेती हूँ। मुझे ज्वाइन है मायरे मुआशियात और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसटीबीआई। सर, बहुत शुक्रिया। आबिद सुलेरी साहब, ये अभी मैं बात कर रही थी कि साग डार साहब को थपकी पड़ती है तो क्यों पड़ती है, क्योंकि वो बात समझ नहीं आ रही, अब खुलकर बात सामने आ गई कि सूरत हाल कुछ और है, लेकिन सर वो थपकी पड़ती है बैन अल-अक़वामी इंडेक्सेस की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी अगर रोजनामा कोई फलां को छापता है तो उसकी उतनी वो वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब बैन अल-अक़वामी इंडिकेटर्स छपते हैं तो फिर सारी अखबार जब उनको छापती है तो फिर गवर्नमेंट स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के ऊपर भी अदरवाइज भी टॉक शोज बनाकर उसको बहुत एंडोर्स करती है, और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑब्वियसली वो भी कोई मायरे मुआशियात तो नहीं है, फिर वो थपकी लगा देते हैं। तो वो मुझे बताइए, वो बैन अल-अक़वामी इंडिकेटर्स जो है वो क्या स्टोरी है, वो क्या कहानी है? देखिए मारू, इकॉनमी कोई भी हो ना, तो वो हर एक को खुश कर सकती है ना हर एक उसमें जो है वो नुकसान उठाता है। तो इकॉनमी का बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि उसमें कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेटली, कोई भी आप पॉलिसी पे अमल दरामद होंगे उसमें कुछ विनर होंगे कुछ लूजर्स होंगे। जब हम इंटरनेशनल इंडिकेटर्स की बात करते हैं मुख्तलिफ जरायद की रिपोर्ट की, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किस बेस लाइन की बात कर रहे हैं और कंपेरिजन किया जा रहा है, ये भी डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर की बात हो रही है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो पिछले दिनों जो रिपोर्ट आई वो पाकिस्तान इक्विटी मार्केट के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थी, ठीक है। तो अब जब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बारे में बात आएगी तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी मुल्क की इकॉनमी जो है वो बहुत बेहतर है या बहुत खराब है। अगर खुदा का खासा स्टॉक एक्सचेंज आपका एकदम से डाउन होता है तो कतई उसका यह मतलब नहीं है कि इकॉनमी जो है वो एकदम से गिर गई है। वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट या इक्विटी मार्केट की वहाँ पे बात, जो भी आपके इंडिकेटर्स है, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल फॉरेक्स रिजर्व का इंडिकेटर है कि जी 2012 में आपके जो थे बैरूनी करेंसी के जखायर वो बिल्कुल कम हो गए थे, अब वो ऊपर चले गए, तो जाहिर है वो 2012 के मुकाबले में ऊपर गए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस इंडिकेटर को आप ले रहे हैं, और उससे आप पूरी इकॉनमी को आप नहीं देख सकते। जिन टर्म्स में आप अपने शोज में बात कर रही हैं या जो अवाम सोचते हैं, अवाम ये देखते हैं कि अच्छा जी ये सारे इंडिकेटर ऊपर हो गए, आटा सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल, चीनी का रेट क्या रहा, पेट्रोल महंगा हो गया, ये चीजें हो गई, नौकरी एक महीने में चौथी दफा पेट्रोल की कीमत, नौकरी मिली या नहीं मिली, तो अवाम उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जो कि माइक्रो इकोनॉमी है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। जब बैरूनी जरायद बात करते हैं तो ये करते हैं कि किसी मुल्क की जो थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनमें स्टेबिलिटी आई या नहीं आई, फिस्कल डेफिसिट आपका कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लेशन आपकी ओवरऑल कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है बड़ी रेजिलिएंट मार्केट है, जब पूरी दुनिया में इक़्तिसादी क्राइसिस चल रहे थे तो हमने फिर भी स्टैंड किया, उस वक्त भी जो हमारी स्टॉक की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा लोकल मार्केट में, आपके पास फंड्स इतने ज्यादा हैं और उसके एवेन्यूज नहीं है, इजी पार्किंग आपके पास दो हैं, स्टॉक एक्सचेंज एंड रियल एस्टेट, और वो दोनों चीजों में आप देखें कि बूम है बिल्कुल, लेकिन ये इतने प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ज्यादा प्रोडक्टिव अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। मुझे सर ये बताइए, जो चार पांच चीजें आपने काउंट करवाई कि देखिए ना, कि सबसे पहले जो है वो रेमिटेंसेस की भी बात की आपने, एक्सपोर्ट्स की बात की आपने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की, और आपने डोनर्स एजेंसी से लोन की बात की। जो शुरू वाले तीन इंडिकेटर्स है सर, ये बुनियादी इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी इकॉनमी का बताने के लिए कि जी उसकी सेहत कैसी है उस इकॉनमी की। अब पाकिस्तान की इकॉनमी को इस वक्त करंटली एज लेड बाय यू नो वजीर खजाना इसहाक डार साहब, क्या रेटिंग देंगे? देखिए जर्नल बात हमारे लिए तो आपकी रेटिंग की अहमियत है ना, मुझे देना और जैसे अभी आबिद साहब ने कहा बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे विंग्स होते हैं, बहुत सारे बाजू होते हैं, तो ये देखना होता है कि किस एरियाज में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस एरिया में आप
खराब सर एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, कॉल आपके रेमिटेंसेस नीचे आ रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे आ रही है, पीछे रह क्या जाता है मुझे ये बताएं, जिसमें हम लोग को खतरे का कारण दिखाई दे। मैं जो आपका सवाल जो पूछना चाहिए वो ये है कि अगर इकॉनमी इतनी अच्छी है तो इसके सम्राट एक आम आदमी तक क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? नए फर्ज़े आप एक आदमी के अगर म्यारे जिंदगी में बेहतरी आती है उसकी, आज मैंने ECO चैम्बर्स के पूरे 10 ममालिक के सुदूर अब हाई पावर डेलीगेशन जो कल प्रेसिडेंट्स के साथ आए हुए थे, मैंने प्रेजेंटेशन दी, मैंने भी वॉल स्ट्रीट की क्लिपिंग दिखाई कि जी मिडिल क्लास हमारी पाकिस्तान की जी ऊपर जा रही है और परचेजिंग पावर बढ़ी है और पाकिस्तान इज अट्रैक्टिव, वो हमारी मजबूरी है, वो हमने करा है। आज हमने मॉर्गन स्टैनले की स्टैंडर्ड पुअर्स की जो रेटिंग उन्होंने इम्प्रूव की थी वो भी मैंने दिखाई है, वॉल स्ट्रीट ये हमने उन एरिया में वॉलेट नहीं है, लेकिन वो सब सिर्फ इकोनॉमी तो नहीं है, इकोनॉमी की और इकोनॉमी में जहां मैं मुतमईन नहीं हूं, देखें जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बिल्कुल, न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट नहीं बल्कि नीचे जा रही है, रेमिटेंसेस पे आप बैंक कर रहे थे चलो एक्सपोर्ट ऊपर नहीं जा रही वहां से डॉलर आ रहे हैं, अब जो आजकल क्राइसिस है ऑयल के क्राइसिस है लोग बेचारों की जॉब जा रही है, सारी की सारी वो लोगों की कमाई नहीं आ रही थी यहाँ से, बहुत सा ब्लैक मनी भी वाइट हाँ, के आ रहा था और वो भी अब कम हो गई है, और FDI जो मेन होता था मुझे याद है कि हमारी दौरे हुकूमत में जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो हमें 5-6 बिलियन डॉलर के एक साल में, मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में मैं हर एक की बात करता हूँ, लेकिन अब आप $1 बिलियन मेहरबान होता भी तो नहीं है ना, अब $1 बिलियन पे आप आ गए तो FDI जो है वो भी कम हो रहा है। शाहिद सिद्दीकी साहब भी मेरे साथ मौजूद है सर, अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? हेलो जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? चले सर आपसे दोबारा जो है वो रابطہ करने की कोशिश करते हैं। शब्बर जैदी साहब, सर कोई अच्छी अच्छी बातें भी बताएं मुझे, बताएं कि मैं एक चीज पे यहाँ वेरीफाई कर दूं कि देखिए हमारा प्रॉब्लम ये रहा है पिछले 10-12-15-20 साल में इंटरनेशनली कि जिन इंडिकेटर्स को हमको हम बहुत इंपॉर्टेंस देते रहे और जिन इंडिकेटर के बेस पर हम मुस्तल लोगों की ग्रेडिंग करते रहे, मेरे जाती व्यू में वो इंडिकेटर रियल लाइफ ऑफ द पीपल को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते। वेरी ट्रू, मैं और ये जो इंडिकेटर्स हैं ये वेस्ट से आते रहे हैं और उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें वो इंडिकेटर को चलाते हैं, और उसमें कुछ बिजनेसमैन के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, मगर मुझे इकोनॉमी बिजनेसमैन के लिए नहीं चलानी, मुझे इकोनॉमी पाकिस्तान के आम आदमी के लिए चलानी है। आटा महंगा हुआ या आटा सस्ता हुआ वो बहुत रेलिवेंट है, बट उसकी भी परचेजिंग पावर पैरिटी से देखा जाएगा। मेरा ये कहना है कि दुनिया जिस तरफ जा रही है उसमें हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी बाय एंड लार्ज चेंज होने चाहिए, और वो भी अब स्टैंडर्डाइज हो गए हैं, जो आज नए इकोनॉमिस्ट हैं जो अब जो इस चीज को समझते हैं वो इसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमें सबसे बड़ा इंडिकेटर हमारा वो ये होना चाहिए कि हमारा कितने लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं, हमारे तालीम की लेवल क्या है, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, हमारी डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर क्या है, और हमारी कंट्री में जो लोकल इन्वेस्टमेंट है वो हम क्या लोकली इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। हम बार बार बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की और हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर पैसे जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। तो ये जो सारी कहानियां हम पास में प्रेजेंट करते रहे ये अब बेकार की कहानियां हैं और ये खत्म हो चुकी हैं। अब आप उस वक्त दुनिया की बात, लेकिन आपने जो बात की थी ना शबर जैदी साहब के, जब तक पार्लियामेंट के अंदर इस फोरम के ऊपर बात नहीं करेंगे और पार्लियामेंट को इन मौशी टॉपिक्स के हवाले से जेरे बहस नहीं लेकर आएंगे, शाहिद साहब से भी कमेंट ले लूं स्लाइड साहब अगर आपकी इजाजत हो तो। शाहिद साहब अब आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज आ रही है। चलें थैंक यू वेरी मच। तो शाहिद साहब मैं आपसे ये जानना चाह रही थी सर, ये जो कर्जे नए कर्जे हमने लिए हैं जब इनको हम उतारेंगे सर, और 15 महीने में एक तो हमने ये $6.5 बिलियन के भी जो एक्सटर्नल डेट्स हैं वो भी उतारने और अब हमने और मजीद नए ले लिए हैं सर, जब ये हम उतारेंगे उस वक्त हमारी इकोनॉमी की क्या सूरत हाल होगी? देखिए पहले अगर आप इजाजत दें तो मैं 2-3 जुमले इन बेसिक बातें आपको बता दूं जी। पाकिस्तान में जिस तेज रफ्तारी से इस हुकूमत के दौर में कर्जों में इजाफा हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, नंबर एक। दूसरी चीज ये कि जो कर्जे बढ़ रहे हैं ये बुनियादी तौर पर करप्शन और हकूमत के कवानीन के तहत टैक्स की चोरी, हकूमत के कानून ऐसे हैं, शाहाना अखराजात और फ्यूडल कल्चर की जो पॉलिसी हमने अपनाई है वो उसकी वजह से ये तबाहकारी आ रही है। और इसमें मैं आपसे ये भी कह दूं कि अगर हकूमत सरह सूद में तेजी से कमी नहीं करती जिसकी वजह से कर्जे और वरना और बढ़ते, और दूसरे इन्होंने को 150 अरब रुपए के असासे बेच दिए हैं जो पिछली हुकूमत ने नहीं बेचे थे, 150 अरब रुपए हमें सऊदी अरब से तोहफा मिल गया, और जो हमने
तेल की कीमतों से 2100 अरब रुपए का फायदा हुआ। अगर ये नहीं होता तो 1000 अरब रुपए के कर्जे मजीद होते, नंबर एक। दूसरी चीज बात यह है कि ये कर्जे हमारे जिस हमने पिछले वर्षों में भी कभी कर्जे अपने पास से अदा नहीं किए। पाकिस्तान बहुत अरसे से डोमेस्टिक लोन्स हैं उस पर जो मुनाफा देते हैं नेशनल सेविंग्स में बचत के खातों पर, वो भी नए कर्जे लेके नोट छाप के दिए जाते हैं। तो हमने दाखिली कर्जे का सूद कभी भी अपने वसाइल से अदा नहीं किया। बैरूनी कर्जे अदा करने की जो मुश्किलात आएंगी बहुत ज्यादा, वो आएंगी 2020 में, और उस वक्त हमें यूनान का हशर रखना याद रखना चाहिए। यूनान वो मुल्क है जो कि यूरोप का था, बोरे वहां पर है, लेकिन उन्होंने उनके असासे गिरवी रख के उनकी जिंदगी अजीरन कर दी और उनको तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया। क्या पाकिस्तान बैंकरप्ट हो सकता है सर? हमें दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका को हमारी जरूरत नहीं होगी, तो उस वक्त जो पाकिस्तान का हशर वो करेंगे, अगर हमने आज उसका इदराक नहीं किया तो मेरे ख्याल से बहुत संगीन सूरत हाल होगी। बुनियादी तौर पर इसलिए भी कि ये जितने भी कर्जे लिए हैं इससे अवाम को फायदा नहीं हो रहा, अवाम के ऊपर बोझ डाल के लिए गए हैं और इनकी अदायगी में टैक्स अवाम के टैक्सों से है। डॉक्टर साहब लिटरली आप सबकी बातें सुन के मैं बहुत ज्यादा घबरा रही हूँ और मैं नीचे लीड भी चला रही थी आज के पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी और फिरकावारियत से ज्यादा बड़ा खतरा जो है वो बेसिकली इन बैरूनी कर्जों की अदायगी है। आप सुनहर साहब मुझे एक चीज बताइए सर, ये सारी सिचुएशन एक तरफ अभी कह रहे डॉक्टर साहब के जितने कर्जे इस दौरे हुकूमत में लिए गए इससे पहले कहीं कभी नहीं लिए गए। सर जितना ऑयल इस दौरे हुकूमत में सस्ता हुआ है बैनुल अक़वामी मार्केट में कभी किसी दौरे हुकूमत में नहीं हुआ। सर वो उस ऑयल के समरात कहाँ गए? देखिए उस ऑयल के समरात ये हुए कि इन्होंने इन्फ्लेशन कम कर दी। यहाँ तक कर्जों की बात नहीं, सर मुझे प्लीज क्लियर बताएं कहाँ गए सर वो पैसा, इतना सस्ता हुआ मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ ना। देखिए जो ही ऑयल नीचे गया, ठीक, अगर मैं गाड़ी सीएनजी पे चला रहा था, जब मुझे पता चला कि ऑयल अब पेट्रोल जो है वो मेरी बसात में आना शुरू हो गया, तो अगर मैं 50 लीटर पेट्रोल महीने का डलवाता था तो मैंने 100 लीटर डलवाना शुरू कर दिया। डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर हैं, जो ही किसी चीज़ की कीमत नीचे आती है, और ये ऑयल के सिलसिले में बड़ा क्लियर आपको नजर आया, हमारी सीएनजी की सप्लाई जो है वो कम हुई, ऑयल सस्ता हुआ, लोगों ने धड़ाधड़ अपनी गाड़ियाँ जो है पेट्रोल पे चलाना शुरू कर दी, क्योंकि पेट्रोल अफोर्डेबल हो गया था। पेट्रोल की डिमांड उतनी बढ़ती चली गई, उतनी कंसाइनमेंट्स जो है पेट्रोल की आती चली गई। अगर आप उसका वॉल्यूम में देखें, पेट्रोल का वॉल्यूम, पीएसओ का इंपोर्ट देखें, तो ऑयल का जो इंपोर्ट है वो वॉल्यूम बड़ा है, उसकी पेमेंट जो थी वो उतनी ही रही, यानी आपका पेमेंट पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब जब हम सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, जो एक सवाल इसमें बनता है कि जी इंडिकेटर सारे बहुत अच्छे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं ये इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो तो डरा के बता दिया डॉक्टर साहब ने, तो वो नहीं है। देखिए वो तो उन्होंने कह दिया यूनान वाला हाल होगा। ये देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ हम भी यही कह रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर है लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, सस्टेनेबल इसलिए नहीं है कि जो आपके मेजर इंडिकेटर्स आते हैं, जैसा कि अफरात ज़र बहुत कम था, अब अफरात ज़र बढ़ना शुरू हो जाएगा चूंकि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। रुपी जो था, रुपी को एक पॉलिसी के तहत होल्ड किया गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि रुपी जो है उसकी डेप्रिसिएशन शुरू हुई, अब ये 106, 108, 110 के नीचे जो ये घूमता रहेगा। वक्फा मुझे यहाँ पर एक दरकार है नाज़रीन, एक वक्फा यहाँ पर ले लेते हैं, दोबारा जब आऊंगी तो अपने चारों पैनलिस्ट के लिए मैं दोबारा ये सवाल रखूंगी नाज़रीन, क्योंकि हम सब ये सोच रहे हैं कि एक तरफ सीपेक आ रहा है, इतनी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया में इतना सस्ता ऑयल इससे पहले कभी किसी दौरे हुकूमत को ये मौका भी नहीं मिला था, फिर तोहफे भी हमें मिलते रहते हैं, ये सारी चीजों के बावजूद ये जो इतना पैसा है ये कहाँ गया? ये मुझे आपको बुनियादी सहूलतों में, बुनियादी जो हमारी जो हमारी खाने पीने खुर्दनोशिया इस तक मुंतकिल होकर ये समरात अवाम तक क्यों नहीं पहुंचे, ये पैसा किसकी जेब में गया? सिंपल सा सवाल है। कह रहे थे कि ये सीपैक की एक तरफ बात होती है जी, इतने अरबों रुपए की यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिर हम ये भी कहते हैं कि जी ऑयल इतना सस्ता हुआ बैनुल अक़वामी मार्केट में तो उसके सम्राट आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच सका? सर ये पैसा कहाँ गया? देखिए ऑयल कम हुआ तो अगर 14 या 15 बिलियन की एनुअल आपकी इम्पोर्ट बिल होता था ऑयल का, तो अगर वही क्वान्टिटी रहती जैसे अभी साहब ने कहा तो 11 बिलियन हो जाता, तो 4-5 बिलियन आपको बच गया था, लेकिन जब सस्ता हुआ तो लोगों की कंजम्पशन बढ़ गई, तो क्वांटिटीज अब ज़्यादा आई तो ऑयल वही 14-15 बिलियन का बिल बन गया इंपोर्ट बिल। इंपोर्ट बिल कम नहीं हुआ तो वो अमाउंट 4-5 बिलियन जो आप कह रहे थे कि कीमत कम होने की वजह से आपके पास बोझ कम पड़ता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड की वजह से वो वहाँ पर चला गया, ऑफसेट हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमने जिन बाजुओं को जो फॉरेन रिजर्व्स को मजबूत करते हैं वो कमजोर हैं, तो दो दो साल ढाई ढाई साल कमजोर नहीं रहते, ये तो 3 या 4 महीने में आदमी इसको किसी तरह जैसे बच्चा बीमार हो संभालना पड़ता है। हमारी एक्सपोर्ट मुसलसल 2 सालों से
مسلسل دو سالوں سے کر رہی ہیں اور 25 سے 20 بلین ڈالر ہو گئی ہیں. اب جا کے پرائم منسٹر صاحب نے ایک انسینٹیو پیکج دیا ہے, وہ بھی نیکسٹ 6 مہینے کے بعد اس میں شرط لگائی ہے کہ 10% گروتھ کے اگر کوئی کرے گا تو ملے گا. یہ کاسمیٹک چیزیں ہو جاتی ہیں, سے فائدہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے شبر زیدی صاحب, اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں, شبر زیدی صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی ول نہیں ہے کیا؟ کیونکہ ہم تو سنتے تھے یہ تاجر دوست, معیشت دوست حکومت ہے, ان کے آنے سے تو تاجروں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے, اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ 4 سال گزرنے کے باوجود کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے حقیقی معنوں میں جس سے جو کرنے والے کام ہیں وہ ہو سکے اور پاکستانی معیشت حقیقی معنوں میں آن گراؤنڈ جو ہے وہ سسٹین کرے. شبر زیدی صاحب غالباً ساتھ موجود نہیں ہے, شاہد حسن صدیقی صاحب میرا سوال آپ نے سنا اگر سر تو جواب آپ سے. دیکھیے میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس وقت بھی حکومت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے کچھ قوانین تبدیل کر دیں تو میں یہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان ان قرضوں کو ادا کر سکتا ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک انکم ٹیکس آرڈیننس ہے 111 سب سیکشن 4, اس کی وجہ سے ایف بی آر کے چیئرمین نے یہ کہا کہ اگر یہ واپس لے لیا جس کے تحت ٹیکس کی چوری اور کرپشن کے پیسے کو لیگلائز کیا جانا ممکن ہے تو ٹیکس کی آمدنی میں اضافہ ہوگا 3,000 ارب روپیہ سالانہ. بنیادی چیز جو ہے آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا تھا, اس کو ایمفیسائز نہیں کیا گیا کہ دہشت گردی کی جنگ جیتنے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہے انہی سے پاکستان جو ہے معیشت بہتر ہوگی, لیکن ہم ان اقدامات کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر اس قوم کو دہشت گردی کی جنگ جیتنی ہے اور قرضوں کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو یہ کہنا بند کر دیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو رہا, یہ کہیں کہ نیشنل ایکشن پلان ناکافی ہے, ان افیکٹو ہے. اس کے میں اگر ہم یہ تعمیل نہیں کرتے جو 2-3 باتیں میں بتا رہا ہوں تو پاکستان کے مسائل نہ دہشت گردی کے حل ہوں گے اور یہ جنگ ہم نہیں جیت پائیں گے اور قرضوں کے دلدل میں پھنس کے ہم خدا نخواستہ اپنی سالمیت کھو بیٹھیں گے. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ معیشت کو دستاویزی بنانا, یعنی جس کی وجہ سے ٹیرر فائننسنگ ہو رہی ہے, تو اگر آپ نقد لین دین کر رہے ہیں, پرائز بانڈز ہیں اور چوری کے پیسے کو قانوناً پاکستان سے باہر بھیجنا ممکن ہے, جو چوری کے پیسے کے رشوت کے اس قانون کو آپ تبدیل کر دیں, فورن کرنسی اکاؤنٹس میں ڈالر اکاؤنٹ بنا کے باہر بھیج دیں اس کو آپ بند کر دیں, معیشت کو دستاویزی بنائیں, کیش ٹرانزیکشن کو بند کر دیں اور ملکی جو پنامز ہیں, ملکی پنامز میں جو رقم ہے وہ جو باہر جو پنامز میں ورلڈ وائڈ ہیں اس سے کئی گنا زیادہ, وہ پنامز پاکستان کے اندر ہیں جو حکومت کے دسترس میں ہیں, اگر وہ کریں تو آپ کو 2,000 ارب روپے مل جائے گا, معیشت جو ہے وہ دستاویزی ہو جائے گی. ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگانا. ذرا سب بولنے دیجیے گا, یہ مرزا صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر میں شبر زیدی صاحب کی جانب سے ایک امید ہے. جی آج آپ میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی, اگر آپ دیکھ میں کہوں میں جو بات کر رہا تھا وہ مکمل نہیں ہوئی ابھی. جی میں آ رہی ہوں سر آپ کی جانب. پاکستانیز کا اوورسیز انڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں, پاکستان میں بھی ہیں اور باہر بھی ہیں. شبر صاحب کی کتاب جس پہ ہم بھی تھے لانچنگ میں, مطابق 150 بلین ڈالر ہیں, جس میں کوئی 135 سے 130 بزنس مینوں کو ہیں جو برے حالات میں کراچی کے اور پاکستان کے باہر چلے گئے, تو باقی کرپشن کے 30-35 بلین. بہرحال اس کو لانے کے لیے کنوسی پہ کام ہو رہا ہے. میرے خیال سے میری بات آپ نے کمپلیٹ نہیں سنی تو اس سے سارا کنفیوژن ہو جائے گا. بات اگر مکمل ہو جاتی تو یہ مسئلہ کا جواب بھی میں دے دیتا. دیکھیے میں آپ سے یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جو رشوت اور کرپشن اور ٹیکس کی چوری سے رقم ملتی ہیں پوری میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس کا چھوٹا حصہ باہر جاتا ہے, بڑا حصہ ملک کے اندر موجود ہے اور وہ 3 مہینے میں ریکور ہو سکتا ہے اگر عدالتیں چاہیں, حکومت چاہے, پارلیمنٹ چاہے, اپوزیشن چاہے, لیکن اس میں چونکہ طاقتور طبقے متاثر ہوتے ہیں تو وہ ہم کرنا نہیں چاہتے, جس کی وجہ سے نہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے اور نہ جو ہے وہ ہماری دہشت گردی کی جنگ جیت رہے ہیں. دیکھیے میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے یا 10 کروڑ روپے رشوت کا ہے, میں اس سے جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے خریدتا ہوں اور باہر سے ریمیٹنس منگا کے اس کو ریگولرائز کر دیتا ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کرپشن کے پراپرٹیز ہیں, جو کرپشن کا پیسہ بینک میں ہے جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے, جو 2,000 کے بس کے بنگلے ہیں جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے, جو نیشنل سیونگز میں پیسہ ہے وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے, وہ میرے اپنے خیال سے کوئی 20-25 ہزار ارب روپیہ ہے, اس سے جو آپ کو ٹیکسز ملیں گے آپ کے دستاویزی معیشت ہو جائے گی, لیکن اس سے طاقتور دنیا میں, ایک جملہ سن لیں, دنیا میں کہیں پراپرٹی پر دنیا میں کہیں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں ملی, میں گارنٹی کر رہا ہوں. صرف پراپرٹی میں اگر دنیا میں کہیں ملی ہے تو وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آپ کرنا کب چاہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ دیجئے گا ڈاکٹر صاحب, ایک سیکنڈ دیجئے گا. شبر زیدی صاحب, یہ آج کے اخبار میں خبر لگی ہوئی ہے سر, 83 دنوں میں پاکستانیوں نے 23 ارب 50 کروڑ کا کالا دھن سفید کرا لیا. سر جب یہ ہماری گورنمنٹ کی ہوگی تو سر پھر کیا ہوپ کریں ہم؟
دیکھیے معلوم آپ نے ایک بات کہی تھی, میں اس کو کلیئرفائی کر دوں. آپ نے کہا کہ میں بڑی خوفزدہ ہوں کہ پاکستان بینک کرپشن کی طرف جا رہا ہے. میں اس کو تھوڑا کلیئرفائی کر دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے جو شاہد صاحب بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, ہم سب ایک ہی بات کر رہے ہیں. پاکستان کی ڈاکومنٹڈ اکنامی 280 بلین ڈالر کا جی ڈی پی ہے, جو کہ ہمارا ڈاکومنٹڈ جی ڈی پی ہے. میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ پاکستان کا جو ایکچوئل جی ڈی پی ہے وہ 400 سے پلس جی ڈی پی ہے. تو یہ جو ہمارا ملک ہے یہ دو طریقے سے چل رہا ہے, اور کبھی پاکستان بینک کرپٹ نہیں ہوگا, اس لیے کہ جو پیرلل اکنامی ڈالر کی بھی ہے اور روپی کی بھی ہے, وہ پاکستان کی اکنامی کے بڑے انڈیکیٹر کو سسٹین کر رہی ہے, سپورٹ کر رہی ہے. میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ پاکستان کی بینک کرپسی کبھی نہیں ہوگی, اس لیے کہ جو پیرلل اکنامی ہے اس کا ایک سسٹم ہے ٹو سسٹین دا ڈالر روپی. مگر جو اس پیرلل اکنامی کا نقصان ہے وہ ہے جو سائز کا واضح کر رہے ہیں. جب اکنامی پیرلل ہوتی ہے تو پیسہ کچھ خاص مافیا کچھ خاص طبقوں کے پاس چلا جاتا ہے, اور اس سے ڈسپیرٹی آف دی ویلتھ بڑھتی ہے, اور گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ عام آدمی کے مفاد میں پیسہ خرچ کرے. ٹھیک ہے, تو اور یہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم پیرلل اکنامی کا سائز جو ہے ہمارے تقریباً میرے ذاتی کنزرویٹو ایسٹیمیٹ میں تقریباً اس کے برابر نہیں تو 80% تک پہنچ چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس طریقے سے ملک چل جاتے ہیں مگر عوام پس جاتے ہیں. بالکل عابد صلی اللہ علیہ وسلم, میں سمجھ گئی پوائنٹ ویل ٹیکن. ملک چل جاتے ہیں لیکن عوام پس جاتے ہیں, لیکن یہی عوام ہے جنہوں نے ووٹ دے کر 2018 کے انتخابات میں. شبر صاحب سلیری صاحب سے ایک کامنٹ لے لو, پھر میں آپ سے آتی ہوں کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے. شبر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر ہم جو ہمارے الیکشن ایئر بھی اثر ہی ڈاکومنٹڈ اکانومی اور قرضوں کی بات بھی دیکھیں تو آپ کے جو فورن کرنسی میں قرضے ہیں ان کی اماؤنٹ کم ہو رہی ہے, اور یہ پچھلے 4-5 سالوں کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو ایک بڑا آپ کو سٹیپ اس میں کٹ ملتا ہے. اصل بورنگ جو ہے وہ پاکستانی بینک سے ایک مرچنٹ بینک سے کی جا رہی ہے, ڈومیسٹک بورنگ ہے. ڈومیسٹک بورنگ کا جو ایک بنیادی نقصان ہو رہا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہو رہا ہے, چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کراؤڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. بینک کے لیے سب سے امپورٹنٹ انسینٹیو یہ ہوتا ہے کہ حکومت سوورن گارنٹی دے رہی ہے, اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ مرزا صاحب کو قرضہ دے جس کا پتہ نہیں بعد میں ملنا ہے یا نہیں ملنا. تو اور اسی وجہ سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ہمارا بیسک انٹرسٹ ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا, اس کو بھی اسی لیے 5.75 پہ مینٹین کیا گیا ہے, کیونکہ جو ہی وہ اوپر جائے گا گورنمنٹ کو زیادہ پے کرنا پڑے گا. لیکن جو اندرونی قرضے ہیں جب ہم اکانومی کے اوور آل سچویشن میں دیکھیں, یعنی عوام کو سارا نقصان پہنچ رہا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن اندرونی قرضوں سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. بیرونی قرضوں سے پریشان ہونے کی ضرورت زیادہ تھی, وہ اس میں ایک نمایاں آپ کو کمی نظر آ رہی ہے. قرضے جو ہیں لیکن قرضے اتارنے کے لیے قرضے لینا, دیکھیں قرضے لینا بری بات نہیں ہوتی اگر اس کو آپ بہتر جگہ پہ ان کا پروڈکٹیو جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. میرے پاس آخری 2 منٹ ہیں, میں ہر اپنے انالسٹ کو 30 سیکنڈز دینا چاہوں گی, اور میں سوال یہ کروں گی. جی سر آپ سے شروعات کریں گے اور پھر ہم واپس سلائر صاحب کی جانب گھوم کر آئیں گے. سر ون لائنر فار دا گورنمنٹ آف پاکستان, اسپیشلی وزیر خزانہ, وزارت خزانہ, کہ کس طریقے سے وہ کیا جادو کی کون سی ایسی چھڑی ہے جس کو گھما کر صورتحال حقیقی معنوں میں سسٹینیبل بنائی جا سکتے ہیں ان ٹرمز آف پاکستان کا. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اخراجات ہم اپنے کم کریں, ان پروڈکٹیو ہم نے اخراجات, شہانہ اخراجات جو لفظ استعمال کرتی ہیں, اور اس کے بعد ہمیں اپنے فورن ریزروز کو بلڈ اپ کرنا ہوگا اور ایکسپورٹ پہ توجہ دینی ہوگی, وہ ایک ریلائبل سورس ہے. ایک سیکنڈ, دوسری چیز ایمنسٹی اسکیم جو آنے والی ہے, اس سے بھی مجھے امید ہے کہ جو ان ڈکلیئر ایسٹس ہیں آپ لوگوں کے لیے باہر پیسہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے, اٹ از دا سیفیسٹ ٹو کیپ دا فنڈز ان پاکستان. اس سے بھی انشاءاللہ باہر سے انفلو ٹھیک ٹھاک آئے گا, حالات بہتر ہو جائیں. زیدی صاحب کوئکلی, میرا یہ ویو ہے کہ سولوشن کے آپ ڈیٹیل میں اکنامی کو اسمبلی میں ڈسکس کریں, عوام کے سامنے رکھیں. زبردست, جب عوام کے سامنے رکھیں گے تو ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب 10 سیکنڈ. دیکھیے وفاق اور چاروں صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں ود آؤٹ ایگزمپشن. ملکی پاناماس کو ریکوری کے لیے نیشنل حصہ بنائیں. یہ اچھی ٹرم ہے ملکی پاناماس. ملکی پاناما سے میں بتا رہا ہوں کہ میرے اپنے حساب سے کم سے کم 3,000 ارب روپیہ 4 مہینے میں مل سکتا ہے, مگر اس سے طاقتور طبقوں کے مفادات پر ضرر پڑتی ہے. نہ عدلیہ چاہتی ہے. دیکھ اصل چیز جو ہے جاب کریشن اگر ہوگی تو آپ کو عوام کو بھی ریلیف مل رہا ہوگا, اکانومی جو ہے وہ بھی آپ سب خوش ہوں گے, سب خوش ہوں گے تو سب اچھا ہوگا. تو ہمیں جاب کریشن کی طرف جانا ہوگا. چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, وقت میرے پاس محدود تھا. پروگرام دیکھنے کے لیے ناظرین آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. حقیقی معنوں میں پاکستان کی اکانومی کی کیا صورت حال ہے, ایک وہ جو آپ سنتے ہیں, ایک وہ جو ہم نے آپ کو دکھائی, اور حقیقت یہی ہے. خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.